अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और अगर अल्लाह ना करे आपको कोई भी और किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो मैं दोनों हाथ बंद करके अल्लाह पाक से दुआ करूँ हूँ कि अल्लाह पाक की हम सब पर लाखों और करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल हों, आमीन। नाजिर, मैं आज आपके लिए बहुत ही आला किस्म की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हजरत अली ने फरमाया, सच्चे प्यार की पहचान कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि जैसे ही फ्यूचर में इंशाल्लाह हम वीडियोस अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं सनी टीवी। वेलकम करता हूं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हज औरत ने कहा, या अली, मेरा एक सवाल है। अली ने कहा, हाँ बोलो। आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कहो जो तुम कहना चाहती हो। तो औरत ने हाथों को जोड़कर कहा, या अली, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे वक्त से पहले हमें यह मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ है, अल्लाह पाक के इल्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है, तो तुम तीन मरतबा या वदूद या हकीम या करीम या रहमान दिल में पढ़ो, और जिससे तुम प्यार करो इसके चेहरे में देखो। अगर सामने वाला का चेहरा मनहूस नजर आए, तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत तकलीफ और धोखा देगा। लेकिन अगर सामने वाले बंदे का चेहरा मुतमिन और आम इंसान जैसा रहे, तो समझ जाना ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता लेकिन धोखा भी नहीं देगा। लेकिन अगर सामने वाले का चेहरा मुस्कुराए और इसकी आंखों से प्यार झलकने लगे, तो समझ जाना ये इंसान खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। हजरत अली ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी। एक शख्स ने हजरत अली से पूछा, या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा क्यों लगता है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नजदीक थी, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती है तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों को मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। कितना अजीम है वो इंसान जो अपना गम सीने में छुपाए रखता है, वो जिंदगी भर उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर खेलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो साहिब, क्योंकि उन्हीं के पीछे खुशियों का सैलाब होता है। जब तुम बगैर किसी वजह के खुश महसूस करो, तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश करें। अली ने फरमाया, खुश नसीब वो है जिसने आखिरत को याद रखा, हिसाबो किताब के लिए अमल किया, जरूरत भर कनायत की और अल्लाह ताला से राजी खुशनूद रहा। हमेशा मुनफरिद करदार रखो, जैसे नमक की मौजूदगी महसूस नहीं होती मगर इसकी गैर मौजूदगी तमाम चीजों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना जर्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोश इख्तियार करें। दुआ से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी का ऐतराज करने वाले की मिसाल इस मक्की किसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए, समझो तुम इससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना जर्म दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। जमीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह में दिखाता है। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो साहिब, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी, कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती साहिब। तो ये थी आज की वीडियो। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।